Welcome in Dream of the Blind. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ब्लाइंड से रिलेटेड नई आने वाली वीडियो बर वक्त देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इजाज़ शाह और आप देख रहे हैं ड्रीम ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। कमाल की वीडियो है, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि ब्लाइंड से रिलेटेड नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं लेके आया हूँ, ज़बरदस्त वीडियो है। व्हाट्सएप ने एक कमाल का ऑप्शन दिया है जो कि फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है और ये आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगाया जाता है फिंगरप्रिंट व्हाट्सएप के ऊपर। वैसे तो बहुत से दोस्तों को पता होगा लेकिन जिन दोस्तों को नहीं मालूम तो ये इस वीडियो को पूरा देखें ताकि उन्हें मालूम हो सके कि व्हाट्सएप पे फिंगर कैसे लगाया जाता है। व्हाट्सएप को हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद हम मोर ऑप्शन में गए, मोर ऑप्शन को ओपन किया। ओपन करने के बाद सेटिंग्स में हमने जाना है, इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद जी अकाउंट प्राइवेसी चेंज नंबर, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्राइवेसी को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप स्वाइप करें, जी हाँ फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट लॉक। और ये लॉक आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से लगाया जाता है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपकी वीडियोस, ऑडियोस, पिक्चर्स, पर्सनल कोई भी चीज़ व्हाट्सएप के अंदर है तो वो कोई और नहीं देख सकता जब तक आप फिंगरप्रिंट्स अपना नहीं लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन होना ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट आपके मोबाइल में मौजूद हो तो आप इस पर लगाएंगे तो ये ओपन नहीं होगा जब तक आप अपना फिंगर इस पर टच नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसे हमने ऑन कर लेना है, ये ऑफ है। यहाँ पे आपने एक दफ़ा जो सेंसर है उसके ऊपर आपने टच कर लेना है फिंगरप्रिंट को। मैं J5 प्राइम यूज़ करता हूँ तो मेरा जो है वो फिंगरप्रिंट जो होम की है उसके ऊपर होगा। J5 प्राइम का यहीं पे होता है और कुछ सेट्स होते हैं जिनका बैक साइड पे होता है, जहाँ पे बैक कैमरा होता है वहाँ पे सेंसर होता है फिंगरप्रिंट का। तो मैंने इसे इमीडिएटली, इसको अगर आप चेक कर लेते हैं तो आप जब भी व्हाट्सएप से बाहर जाएंगे, बैक व्हाट्सएप से आएंगे तो दोबारा से जब व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो ये आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। आफ्टर वन मिनट, एक मिनट के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग जाए तो एक मिनट के बाद खुद ब खुद लग जाएगा। 30 मिनट, अगर 30 मिनट का टाइम लगा देंगे तो 30 मिनट के बाद आपका लॉक जो है वो फिंगरप्रिंट आपका लग जाएगा। और जब आप 30 मिनट के बाद जब आपका लॉक लगेगा तो आप फिर फिंगरप्रिंट से उसे ओपन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पहले ऑप्शन को ही
इमीडिएटली इसे रख लिया हमने, और इसे रखने के बाद यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर बैक आ जाएंगे, बिल्कुल बैक आ जाएंगे। अब व्हाट्सएप को फ्रेंड्स में ओपन करता हूँ जी। व्हाट्सएप लॉक हो चुका है। अब साथ ही आपने अपना जो फिंगर है या थंब है वो अपने सेंसर पे लगाना है। ये मैंने गलत रखा था, थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा था ताकि आप दोस्तों को भी पता चल सके कि अगर हल्का सा भी गलत आप फिंगर लगाएंगे तो वो नहीं ओपन होगा। अब ये ओपन हो गया। ये फ्रेंड्स देखें कि व्हाट्सएप जो है वो ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप अपना फिंगरप्रिंट लगाइए और अपनी जो पर्सनल डाटा है वो कोई भी ना देख सके तो फिंगरप्रिंट को लगा के रखिए। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो होगी किसी अगली वीडियो के साथ मुलाकात, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।